भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। पाई पाई को मोहताज हो चुका और दुनिया के कई देशों से कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भाषण तो साल 2019 का है, लेकिन तब मोदी ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ कहा था उसकी हकीकत आज दुनिया के सामने है। लिहाजा आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान की आवाम अब अपने हुक्मरानों से कह रही है कि अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है तो भारत के साथ फौरन कारोबारी रिश्ते की शुरुआत की जाए। हालांकि पाकिस्तान अगर इसकी पहल करता भी है तब भी ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की पहली शर्त है कि वह पहले अपने यहाँ से आतंकवाद का खात्मा करे और आतंकियों को पालना पोसना बंद करे। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 2019 के चुनाव के दौरान राजस्थान के बाड़मेर की एक जनसभा में दिए भाषण का अंश है। इसमें मोदी कह रहे हैं, भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए हमने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में पत्रकारों के अलावा मुख्य विपक्षी इमरान खान की पार्टी के नेता भी इसे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई और भुखमरी की कगार तक पहुंचे मुल्क की इस हालत के लिए वे शरीफ सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार इरशाद भाटी ने मोदी के भाषण वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जब दुश्मन मजाक उड़ाए और आदर न दे तो जिंदा रहने से ज़्यादा अच्छा मर जाना होता है। जबकि पाकिस्तानी सांसद और इमरान खान की पार्टी के नेता आजम खान स्वाति ने पीएम मोदी के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, अगर थोड़ी भी इज्जत नहीं बची है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, इमरान खान को वापस लाना। हालांकि जिस वक्त मोदी ने यह भाषण दिया था तब पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के हाथ में थी, यानी सऊदी अरब और चीन समेत दुनिया के अन्य देशों से कटोरा लेकर कर्ज मांगने की शुरुआत साल 2019 में हो चुकी थी। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।